कोई VFX नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। प्रकाश राज को आई एम क्या मुझे देख के काफी हंसी आ रही है। क्यों क्यों दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कदम मूवी का सॉन्ग। दोस्तों सॉन्ग का नाम है मीम इंडियन, सब इसे मीम बोलो जो आपका दिल करे वो बोलो। बाकी इसमें जो स्टार कर रहे हैं वो है रवि तेजा और साथ में है प्रकाश राज भी। काफी ज्यादा पुरानी मूवी है ये 2013 की, सो काफी ज्यादा पुरानी है, बहुत ही ज्यादा पुरानी। तो देखते हैं कि सॉन्ग में क्या होने वाला है। वैसे जो ज्यादातर रिक्वेस्टेड होती है वो डांसिंग और अच्छे से कोई कोरियोग्राफी टाइप होते हैं, तो उम्मीद यही है कि यहाँ पे भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा या देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग हटके देखने को मिलेगा। यस एंड प्रकाश राज एंड रवि तेजा फिर से करते हैं शुरू, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कुछ भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, पता चलता है कि आपको पसंद आ रही है वीडियो से। सो फिर कोई गो प्रकाश राज कितने यंग लग रहे हैं, यंग से डांसिंग तो होने वाली है अभी, सही वाइब आ रही है लेकिन काफी मजे वाले, जो अक्सर हर शादी बारात में हमारे यहाँ पे होती है। बिल्कुल वैसे मुझे फ्लैग वैसे वाइब लग रहा है। यार कितना यंग लग रहे हैं। इंडियन कैफे समझ तो नहीं आ रहा, बट ऑब्वियसली ये हमारे नेशन से रिलेटेड है। प्रकाश राज तो मेन रोल में इसमें। ओके मैंने ये तो हिंदी में भी बन जाता है, लेकिन मैं इंडियन। सही है। ओके हीरोइन भी है मूवी में, वो आज तक विलेन होते हैं, वो अब हीरो। आई थिंक ये मूवी में एज अ मुस्लिम कैरेक्टर में है, उनके सारा सेटअप भी बिल्कुल वैसा ही है। सो पुरानी मूवीज का लाइक वाइब ही लगती, कोई VFX नहीं, कोई कुछ नहीं भाई। प्रकाश राज को आई एम क्या मुझे देख के काफी हंसी आ रही है। क्यों क्यों हाँ तो उसमें फनी कैरेक्टर में नहीं, मतलब हमेशा इनको एक डेंजरस विलेन रोल में। हाँ सही बात है। वर्ल्ड बैंक के लिए अंग्रेज भी लाया वो आया। सही है। एंड लेकिन जो बीच रवि तेजा के एक्सप्रेशन था बहुत बढ़िया। ओ भाई चिरंजीवी ये तब भी स्टार थे भाई, ये तब भी स्टार। सही है यार, ऐसी वाइब आ रही है कि मूवी काफी फनी टाइप सी है। तो गाना भी फनी फनी लग रहा है बीच बीच में, बस लिरिक्स का समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो बीच में झलक है ना कभी कभी, वो विलन की देखने को मिलती है भाई साहब, डेंजरस विलन।
सही है, ये सॉन्ग हमें इंडिपेंडेंस डे पे देखना चाहिए था। सही बात है, पता नहीं था ना कि सॉन्ग कैसे होने वाला है। नाइस, ओ मे बी आई थिंक जो रवि तेजा का कैरेक्टर है वो हिंदू है शायद से, मे बी हो सकता है, और प्रकाश राज का मुस्लिम, क्योंकि वाइब आ रही है, अगर वो भी मुस्लिम होते तो उन्होंने भी वो टोपी वगैरह पहनी होती है। दैट्स नाइस, तो देखो कितनी स्टोरी, आई थिंक मे बी कैरेक्टर पकड़ लिए। स्मार्ट, 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 शंकर, नाइस। जल कुकड़ी स्टफ क्या बोलूंगा ऐसे। ये परवेज मुशर्रफ लादेन किसका नक्शा था? पाकिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश आई डोंट नो, शायद से पाकिस्तान। हाँ क्या बात है, इसके लिरिक्स होने चाहिए थे यार, आई मीन सब टाइटल्स वगैरह, तो नेक्स्ट लेवल मजा आ जाता। फनी से स्टार्ट हुआ था लेकिन लास्ट में जाते जाते ऐसे एग्रेशन वाला हो गया है। बहुत ही ज्यादा यू नो एक इंडिपेंडेंस डे वाला सॉन्ग ये लग रहा था, और शायद से हमको, मैं बोल रहा था ना कि इंडिपेंडेंस डे भी जो है वो इस सॉन्ग को देखना चाहिए था। वो ऐसे स्पेसिफिक सॉन्ग्स हो वो यार बता दिया करो थोड़ा सा, खैर चलो नाम ही बताओ तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहता है कि एक्चुअली में सॉन्ग किस टाइप का होने वाला है। बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये लाइक जैसे हर कोई डांस जैसा कर सकता है मतलब, तो इसलिए सॉन्ग ज्यादा लाइक रिलेट कर पाए हम, क्योंकि एंड लिरिक्स हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, आउट ऑफ लिरिक्स ऑब्वियसली वैसे भी समझ नहीं आ सकते, बट यू नो इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं ये बिल्कुल एकदम जोश भरने वाले लिरिक्स थे, जिस तरह से जैसे जैसे सॉन्ग आगे जमता गया वैसे वैसे एग्रेशन का लेवल था बढ़ता गया, जो एक्सप्रेशन थे सॉन्ग होते थे, लिरिक्स थे समझ नहीं आते, बट देख के लग रहा था काफी भारी भरकम लिरिक्स इस सॉन्ग के, कम से कम लास्ट में तो है ही है, साथ में थोड़ा सा फनी एलिमेंट भी थे बीच में, वो भी कुछ यू नो फनी वे में जो है वो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश शायद से सॉन्ग में की गई है, और बढ़िया चीज से नजर आती है। एंड प्रकाश राज को सीरीज से मुझे देख के काफी ज्यादा हंसी आई, इनका डिफरेंस है कैरेक्टर, हमने ऐसी कोई मूवी देखी नहीं होगी जिसमें कॉमेडी वगैरह हो। गोलमाल में थोड़ी सी कॉमेडी थी, थोड़ी सी क्या, गोलमाल में कॉमेडी थी और वहां पे भी अच्छा काम किया था, और यहाँ पे भी बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे तो कितने साल, बट वहाँ भी थोड़ा एक विलेन वाले कैरेक्टर में थे ना, विलेन ही फनी बट थोड़ा विलेन कैरेक्टर, थोड़ा क्या विलेन ही थे, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा विलेन है, यहाँ पे तो एकदम बढ़िया कैरेक्टर लग रहा है, और एक्टिंग एंड एक्सप्रेशन स्ट्रोक हो जाए, मजा आ गया देखते। बाकी रवि तेजा की बात करें तो वो भी जबरदस्त थे एक्सप्रेशन से, बहुत ज्यादा बढ़िया एक्सप्रेशन थे, वो बहुत ज्यादा बढ़िया नजर आते हैं, और अच्छा सॉन्ग था, काफी ज्यादा अच्छा सॉन्ग था, फुल्ली डिवोटेड टू अवर नेशन। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।